Sehgal Foundation and Ashland joined hand together to start a pilot project on sustainable guar project in Ganganagar district of Rajasthan in 2021. A project was started with 250 farmers. मेरा नाम लवजोत सिंह है। मैं नोएफे मजवाला। मेरा गांव 50 है रूपनगर, तहसील श्री कर्णपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। पिछले बरस हमें सहगल फाउंडेशन और आसलैंड ग्वार के परियोजना के बारे में पता चला था और हम इनसे जुड़े थे। सबसे पहले कंपनी ने हमें हमारी मिट्टी की जांच के लिए प्रेरित किया और हमारी मिट्टी की जांच करवाई। आज हम यहाँ पे किसान भाइयों को बताएंगे कि मिट्टी की जांच के लिए सैंपल कैसे लेते हैं। मिट्टी की जांच हम किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी मिट्टी में किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और हमें क्या क्या फर्टिलाइजर इसके लिए देने होते हैं। Project started with soil sample collection and based on soil test report a package of practice was developed for guar production. उसमें हमें यह पता चला कि हमारी मिट्टी में जो जो कमियां हैं वो हमें सुधारी जाएं। हमारी क्लास लगाई, हॉल में बिठाए, सभी को तरीका बताया और उसी हिसाब से कंपनी ने हमें बीज व खाद उपलब्ध करवाई। वो सभी को ये बीज दिया, सीड्स, फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ड ऑन सोइल टेस्ट रिपोर्ट व्हाट वाज द रिकमेंडेशन इज गिवन टू द फार्मर एंड इट इज ट्रीटेड एज ए डेमोस्ट्रेशन प्लॉट। एक बीघे में तो जमीन रोनी करने के बाद में जो खाद डालनी है वो खाद डाली हमने। और एक बीघा जो हमारे हिसाब से बीजना था, बीघे में से जो कंपनी द्वारा बीज भिजवाया गया था उसका कम से कम 1.5 क्विंटल का अंतर रहा, उसका हाइट भी ज़्यादा हुई। विद दैट बेनिफिट देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म इन द फार्मर। नाउ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेंडेड इन टू 25 विलेजेस। सो बाय द एंड ऑफ 2025 5,000 फार्मर विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच विल कल्टिवेट अराउंड 25,000 एकर अंडर सस्टेनेबल गुआर प्रोजेक्ट। Apart from that, the important component of project is to include women farmers because women are the backbone of Indian agriculture. मेरा नाम सुंदर देवी है, गांव मेरा मोटा सरखुन्नी है, तहसील मेरा किरणपुर है, जिला गंगानगर है। Women farmers were also trained all kind of package of practice. So now the women also actively participated and they are very enthusiastic to learn more about the sustainable agriculture practices. तो लार लगेड़े में बीज लिंदो ग्वार को बीज दियो तो बारा किला ग्वार बीजो बिंगो माने 70-80 किलो भी मुनाफो यो ग्वार को मुनाफे में वो ग्वार बेच गे आगे की पैदा देख के बाद में गा ले आया थोड़ो बहुत डेयरी को काम चालू कर दियो। दिन में उठ के दूध पानी निकाल लिया, गायों की निराचारी थोड़ी बहुत कर दिया, फिर वहाँ दूध निकाल लिया, बिलो लिया, फिर रोटी सब्जी रसोई को काम कर गए, बच्चा रोटी पानी जिमार। By end of 2025, more than 25,000 of acre land will be under sustainable guar production. I would like to thank Ashland for providing this opportunity to the farmers of Ganganagar districts. और हम सहगल फाउंडेशन और आसलैंड ग्वार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें सही रास्ते पर खेती करने के लिए प्रेरित किया और इस बार हम इसी हिसाब से एक बीघे से बढ़ाकर 4 से 5 बीघे ग्वार की खेती कर रहे हैं।